राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बिहार आने के बाद क्या बदलेगा, इस बात को लेकर चर्चा थी। बदलाव तो देखने को मिला है और लगातार देखने को मिलेगा। नीतीश से नाराज 12 विधायक लगातार सरकार का विरोध कर रहे थे। आनंद मोहन की रिहाई मामले को लेकर सरकार आपस में ही भिड़ चुकी थी और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई थी। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की चुप्पी ये बता रही थी कि वो नीतीश कुमार के इन फैसलों का समर्थन करते हैं। हालांकि गठबंधन में है तो समर्थन करना लाजमी है, लेकिन माले ने समर्थन नहीं किया। भाकपा माले ने विरोध प्रदर्शन किया और टाडा कानून के तहत 22 दोषियों को लेकर, माफ कीजिएगा, 14 दोषियों को लेकर वो सड़क पर उतर गए। उन्होंने कहा कि 22 वर्षों से ये सजा काट रहे हैं, सरकार को इन पर भी प्रावधान लाना चाहिए। तारा कानून खत्म हो चुका है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अब ये सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में इनके परिजनों के लिए क्या होगा। इसमें कई लोग जेल में ही मर चुके हैं और कई लोग जिंदा हैं, तो उन्हें अब बाहर निकालना चाहिए। नीतीश की सरकार का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव ने उन विधायकों को अल्टीमेटम दिया है। लालू ने विधायकों को बुलाया है, लालू प्रसाद से मुलाकात हुई है, तेजस्वी के गैर मौजूदगी में मुलाकात हुई है। लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट शब्दों में उन्हें समझा दिया है कि सरकार के अंग हैं और इस तरह से अगर आप विरोध करेंगे तो विपक्षी दल को मौका मिलेगा और चुनाव में आप भी कमजोर होंगे। सिर्फ हार नीतीश कुमार की नहीं होगी, इस बार हार महागठबंधन की होगी। तो ऐसे में महागठबंधन में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर मतभेद है, लेकिन विरोध का जो नजरिया है वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। विरोध छोटे शब्दों में किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार के खिलाफ जो कड़े तेवर अख्तियार माले के विधायकों ने किया था उसको लेकर लालू प्रसाद नाराज हैं और लालू प्रसाद यादव ने नाराजगी व्यक्त की है। माले विधायक मुलाकात कर चुके हैं लालू प्रसाद यादव से। आपको बता दें कि सिवान से दरौली विधानसभा से आते हैं सत्यदेव राम, लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात हुई है। 95-96 से लगातार वो बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, 5 बार जीत चुके हैं और वरिष्ठ नेता हैं, लालू के साथ काम कर चुके हैं। उनकी मुलाकात लालू प्रसाद से हुई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लालू प्रसाद यादव की यादाश्त आज भी वही है, वो दूर से देखकर पहचान जाते हैं कौन आ रहा है और बात जो हुई है सकारात्मक हुई है। तेजस्वी जी मौजूद नहीं थे, मौजूद होते तो हम लोग उस मुद्दे पर चर्चा करते, लेकिन लालू प्रसाद यादव से हमने अपनी बात को रखा है और नीतीश कुमार के फैसलों को लेकर भी हमने लालू प्रसाद यादव को अवगत कराया है। तो ऐसे में अब लालू प्रसाद ने नीतीश के लिए फील्डिंग टाइट कर दी है और जो विधायक इधर उधर कर रहे हैं उनको सख्त संदेश दिया गया है कि गठबंधन में नीतीश को समर्थन करना है और नीतीश जीतेंगे तो हम लोग जीतेंगे, नहीं तो सभी लोग आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में चुनाव हार सकते हैं। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा बनाएगी और भाजपा इसका फायदा उठा सकती है। लालू प्रसाद के आने के बाद गठबंधन में एकजुटता, गठबंधन में मजबूती लगातार आपको देखने को मिलेगी और जो भी विधायक लगातार खिलाफ बयान दे रहे हैं उन सभी विधायकों के तेवर अब बदल जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।